मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। आज मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अप का आइडिया ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, आया कहाँ से, उसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाह रहे हैं। हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। 2014 में एक रीबार कपड़ा नेम का एक टेक्निकल प्रोडक्ट होता था, उसको हम लोगों को मतलब राजस्थान के मार्केट में हम लोग उसको लेके आए। बेसिकली मतलब वो बेसिक उसका क्या था, हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज वो स्ट्रक्चर के लिए बोथ फेजेस में बेनिफिट था, लाइक इकोनॉमिकल भी सेविंग कर रहा था और स्ट्रक्चर की क्वालिटी भी एनहांस कर रहा था। इवन दोनों चीज़ों को बेनिफिट होने के बाद में भी उसको 6 से 7 साल का टाइम लगा मार्केट में इंजेक्ट होने में, मतलब मार्केट का एक्सेप्टेबिलिटी, मार्केट का एक्सेप्टेंस लगा लीजिए, ड्यू टू द लैक ऑफ मार्केटिंग अवेयरनेस, प्रॉपर रिदम में इंजेक्ट नहीं कर पाना, एक प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं हो पाना, मतलब कहाँ पे इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है एंड ऑल, मतलब वेरियस मतलब ग्राउंड लेवल के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो एक अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में रीच होने में बहुत टाइम लगता है, और उसी टाइम पे हम लोगों ने जैसे वो पीरियड ऑफ वो जर्नी हम लोग गो थ्रू कर रहे थे एंड फेसिंग दोज चैलेंजेस, हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, हम लोग अकेले नहीं हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब मल्टीपल लाइक रीबार कपलर ना, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक लॉगर, बट ज्वाइंट, इनोवेशन इन शटरिंग प्लेट्स, मतलब बेसिकली विच आर सेविंग द रिसोर्सेज, मतलब पैसा भी बचा रहे हैं और स्ट्रक्चर का क्वालिटी भी एनहांस कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं दबे, मतलब एक प्रॉपर जगह जितना उनको रीच होना चाहिए था उतना उनका रीच हो नहीं पाया मार्केट में। मतलब काफ़ी बिजनेस मतलब सराउंडिंग्स में कनेक्ट कर रहे थे, इन चीज़ों को समझ रहे थे। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम विच वी नीड टू सॉल्व, एंड हम लोगों को बिलीव भी इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने क्या है, ये वाला प्रॉब्लम है ना, जो बेसिकली एक अच्छे प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट अच्छा होता है फिर भी वो मार्केट में प्रॉपर इंजेक्ट नहीं हो पाता, मतलब उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने खुद ने फील किया, दैट वाई मतलब हम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ने या इनोवेटर्स ने, उन्होंने जो अच्छा इनोवेशन कर लिया या अच्छे प्रोडक्ट बना लिए, वो अपने राइट कस्टमर तक पहुंच पाए एक प्रॉपर मीडियम के थ्रू, एक राइट चैनल के थ्रू। हम लोगों ने उसको हेल्प आउट किया, और जैसा सब लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन एक बहुत अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, राइट ना, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्रिएट करना, आई थिंक दैट्स आवर, वहां से हम लोग को आइडिया आया, तो वही हमारा हम लोगों का विजन बना। हम लोगों को ये भी लगता है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग इसलिए सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक टेक्निकल प्रोडक्ट का पूरा जर्नी खुद ने कवर किया है, लाइक व्हाट चैलेंजेस आर देयर एंड ऑल दिस, है ना, सो वी अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन्स एट ग्राउंड लेवल एंड वी अंडरस्टैंड दोज ग्राउंड लेवल चैलेंजेस एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम सो दैट अ गुड प्रोडक्ट कैन रीच टू परफेक्ट कस्टमर एंड क्रिएट वैल्यू इन बोथ पार्टनर्स, इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स लाइफ। एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंड, मतलब एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंड से विद अ पीरियड ऑफ टाइम गोइंग ऑन, वी अंडरस्टैंड दैट एक इंडियन मार्केट में जैसे एक मैन्युफैक्चरर होता है, राइट ना, नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर कॉन्ग्लोमरेट्स ओनली, बट एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना तो लेता है, उसका एक्सपर्टीज होता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग भी इंडस्ट्री का अच्छा होता है, प्रोडक्ट नो डाउट इट्स वेरी एट गुड क्वालिटी, बट क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाने के बाद, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद में भी उसको उनको क्या है, प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता ड्यू टू द लैक ऑफ मार्केटिंग। एंड वी बेसिकली अंडरस्टैंड जब एक हर पर्सन का एक एक्सपर्टीज एरिया होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज एरिया है, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ मार्केटिंग रह जाता है जिसके कारण उसको प्राइसिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर प्रॉपर एक जितना एक्सपेक्टेड सेल्स या एक एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो जनरेट होना चाहिए था उस प्रोडक्ट से वो नहीं जनरेट हो पाता। एंड वी रियली एंजॉय हिम इन हेल्पिंग दैट, वी अंडरस्टैंड दैट पेन, मतलब लाइक डेवलपिंग गुड प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग गुड प्रोडक्ट्स, दैट जब हम प्लेटफॉर्म बना रहे थे इसका, मतलब स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सॉल्यूशन के लिए, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं है, ये बहुत अदर इंडस्ट्रीज में भी यही प्रॉब्लम है, मतलब लाइक वेरियस गुड इनोवेशंस आर देयर एंड मतलब काफ़ी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज और मार्केट की बेसिकली नीड भी है, वो सॉल्व कर लेते हैं, मतलब वो काफ़ी सॉल्व कर रहे हैं बट वो रीच नहीं हो पा रही। तो हम लोगों ने सोचा फर्स्ट फेज में हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कवर करने के बाद में हेल्थ, फार्मा, एग्रीकल्चर एंड वी विल कवर द अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो विद अ पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू।